जबलपुर में संडे को पूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद अवैध शराब खपाने के लिए शहर में लाई जा रही अंग्रेजी शराब को आबकारी विभाग ने जब्त किया है। आपको बता दें कि लगातार अवैध शराब तस्करी और उसमें लिप्त आरोपियों को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने बरगी टोल नाके में चेक पॉइंट लगाकर एक कार में से शहर में तस्करी करने लाई जा रही शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के कंट्रोलर घनसुलाल मरावी ने बताया कि आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि संडे को पूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद अवैध शराब के विक्रय के लिए शराब की खेप जबलपुर लाई जा रही है। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई हेतु बरगी टोल नाके में चेकिंग पॉइंट लगाकर आने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही थी। वहीं जब ये कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 7 पेटी अंग्रेजी शराब की पाई गई, जिसे जब्त करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि अवैध अंग्रेजी शराब सिवनी से जबलपुर किसी पटेल के यहाँ लाई जा रही थी। वहीं आरोपी के बताए अनुसार उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। बरगी टोल नाके पे एक I-20 कार को रोककर चेकिंग के दौरान जो है तो उसे 7 पेटी के आसपास विदेशी शराब पकड़ा गया है। जब भी ये देखा गया है कि शहर में जब भी वीकली लॉकडाउन होता है, अभी फुल लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, परंतु संडे को जो है तो लॉकडाउन अभी भी जारी है। और जब भी संडे को लॉकडाउन जारी है तो शराब की दुकानें बंद रहती हैं और इस दौरान जो है तो संडे के लिए स्मगलिंग बढ़ जाता है। लोग शुक्रवार और शनिवार के आसपास काफ़ी माल शहर में लेके आते हैं। इसी प्रक्रिया में जो है तो हमने सुबह वाहन चेकिंग लगाई थी और 7 पेटी माल पकड़ा गया है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।